फ्रेंड्स हो रहे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज हम आपको एक खूबसूरत सा नक्शा दिखाएंगे और पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इसे कंस्ट्रक्ट करने में कितना खर्चा आया हुआ है। सो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा एंड आप सभी से एक दरख्वास्त है दिल से कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। और आपको इसी तरह से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और देखिएगा आज हम प्लॉट ये जो है 70 फीट है, इसे टोटल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड इस तरफ जो है ना 37 फीट बाई 70 फीट में बना हुआ एक घर है। उसके अंदर जो है दो पोर्शन बनाया गया, दो पोर्शन में देखिएगा 3 बेडरूम और 3 बेडरूम। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन आता है वो है 37 तो लंबाई में हो गया, 70 को क्या गया 35 फुट बाय 35 फुट। उसके अंदर फिर स्टेयरकेस के लिए 10 फीट, सो 70 को क्या गया आप 60 कर लीजिए, तो 30 बाई 37 आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एरिया, प्लिंथ एरिया जो है ना आपको 30 बाई 37 है। ओके 30 बाई 37 आपका प्लिंथ एरिया। एंड बात करते हैं इस डिज़ाइन के बारे में, जैसे कि ये कंसिस्ट करता है सामने एंटर हो गया आप घर के अंदर, यहाँ से मेन एंट्रेंस दिया हुआ है। ओके और एंटर हो गए 10 फीट, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है और स्टेयरकेस के लिए भी सफिशिएंट जगह दी गई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टेप बाय स्टेप लिया गया है स्टेयरकेस, फिर उसके बाद यहाँ सामने स्टेयरकेस और एंड उसके नीचे आप स्टोरेज ऐसा कुछ जगह दे सकते हैं एंड सेपरेट टैंक भी वहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर एंटर हो गए घर के अंदर, ये जो पहला वाला पोर्शन की बात करते हैं डाइनिंग हॉल, मेन एंट्रेंस डाइनिंग हॉल दिया गया, मतलब इट्स लाइक किचन कम डाइनिंग हॉल, हॉल सब हो गया समझ लीजिए। और किचन का साइज़ यहाँ पर जो दिया हुआ है 14 बाई 8 फुट, एक बहुत ही बड़ा यू शेप वाला किचन है, बहुत कंफर्टेबल है एंड स्टोरेज के लिए भी बहुत सफिशिएंट जगह मिल जाएगा आपको। फिर किचन हो गया, फिर यहाँ पे एक बेडरूम 14 फुट 1 इंच बाई 12 फुट 3 इंच का एक बेडरूम दिया हुआ है। फिर उसके बाद है डाइनिंग हॉल, यहाँ पे टॉयलेट रूम और इधर जो है ना बेडरूम, सो 14 बाई 12 फुट का एक बेडरूम है इस तरफ। वहाँ पे बेड का पोजीशन भी दिखाया गया एंड उसके वजह से बहुत अच्छा भी दिख रहा है। इधर एक बेडरूम है 14 फुट 1 इंच बाई 12 फुट का एक बेडरूम और सफिशेंट है, इनफ और सेफ स्पेसियस है ये वाला जगह। ओके बेडरूम 14 फुट 1 इंच बाई 12 फुट का एक बेडरूम। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए इधर से आप एंटर हो गए, इधर थोड़ी सी कम जगह दी गई है। ओके यहाँ से थोड़ा सा वो जो ये जो दोनों के बीच में से एंट्रेंस दी गई है वो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, आप चाहे तो इधर तो लीजिएगा हॉल, ये जो बेडरूम लिखा हुआ है 14 1 बाई 12 फुट 3 इंच वहाँ से तो ले सकते हैं, या फिर कुछ तो करके वहाँ ऐसा एंट्रेंस ऐसा कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे घर के अंदर एंटर हो गए तो ऐसा बड़ा सा खुला पैर महसूस होना समझो, जब भी आप घर में बैठे तो क्या जीन्स पैंट पहन के बैठते हैं, नहीं ना, आपको नाइट पैंट या फिर जो कंफर्टेबल लूज है वो वाला पैंट पहन के बैठते हैं ना, वैसे ही घर भी बोले तो वैसे ही कपड़े के जैसे ये समझ लीजिए। जब आप घर के अंदर जाते हैं तो ऐसा खुलापन महसूस होना, तभी उसे हम कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इधर एक बेडरूम 14 1 बाई 12 फुट 3 इंच और इधर यू शेप में किचन है 14 1 बाई 8 फुट और डाइनिंग हॉल। फिर यहाँ पर देखिएगा एक बेडरूम 14 फुट 1 इंच बाई 12 फुट और इधर एक बेडरूम है 14 बाई 12 फुट इस तरह का। एंड बेडरूम का पोजीशन बहुत सारे, यहाँ पे विंडो का साइज़ पूरा डिटेल के साथ दिया गया, अच्छी बात है। दरवाजे से कितना दूरी पे लेना चाहिए वो सब दिया है यहाँ पे, 6 फुट का यहाँ पे एक विंडो, इधर एक 6 फुट पे विंडो, 2 फुट 7 इंच जगह दी गई है, यहाँ पे भी 4 फिट का जगह, यहाँ पे 10 फिट और इधर 1 फुट 6 इंच, इधर जो है ना 2 फुट 7 इंच, यहाँ पे 6 फुट 4 फिट इस तरह का दिया है, काफ़ी अच्छा और खूबसूरत वे में। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है, बहुत ही एकदम शानदार घर और काफ़ी अच्छा डिसेंट मुझे दिखा है, अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। सो 30 बाई 37 इसका प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया जो है 30 बाई 37 है, उसके अंदर जो है 3 बेडरूम लिया गया। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट मी टू रीच 1 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन ऑसम houseplans.com एंड 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।